नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य बीएनएस गोट फार्म से। दोस्तों, बकरी को धान, पैराकुट्टी, पुआल, पुअरा जिसे बोला जाता है, कैसे खिलाएं? क्योंकि गांव में बकरियां धान, पैराकुट्टी, पुआल खाती नहीं हैं, और भी जगह पर खाती नहीं है, जैसे कि बिहार में उनको खिलाया जाता है और भी बहुत जगह खिलाया जाता है, यानी कि कुछ जगहों पर बकरियाँ खाती हैं जहाँ उनको खिलाया जाता है, हमारे यहाँ नहीं खिलाया जाता है। तो हम उनको कैसे खिलाएं कि बकरियाँ खाएं? देखिए, ये देखिए, ये है धान का पैराकुट्टी पुआल, जो कि अभी काट करके रखा गया है, लेकिन बकरियाँ इसे नहीं खाती हैं, कैसे भी आप खिलाएं नहीं खाती हैं। तो अब इनको कैसे खिलाएं कि बकरियाँ खाएं? और ये देखिए, ये है गेहूँ का भूसा। अब इस चीज़ को देखिए, बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा। जैसे ये कहा गया है ना कि कोई भी चीज़ सडनली बदल देने से, जैसे कि हम अपनी बकरी को रोज सुपर नेपियर खिला रहे हैं, या गेहूं का भूसा खिला रहे हैं, या दलहनी जैसे चने का, मसूर का, खेसारी का भूसा खिला रहे हैं, अब उसको तुरंत हटा करके अब हम तुरंत लेकर के आ गए धान, पैराकुट्टी, पुआल, तो बकरियां नहीं खाती हैं। अब उनको कैसे खिलाएं मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, बकरियाँ जो है कि बड़े ही चाव से खाएंगी, और मैं रेगुलर अपने बकरियों को मैं रेगुलर गेहूँ का भूसा खिलाता हूँ, और एक टाइम मैं गेहूँ का भूसा खिलाता हूँ खली चूने के साथ में, और एक टाइम मैं सुपर नेपियर खिलाता हूँ। तो अब देखिए, मैं इनको खिलाऊंगा पैराकुट्टी। अब करना क्या है आपको, बने रहे वीडियो में और देखिए मैं कैसे जो है कि इनका चारा बना रहा हूँ, पैराकुट्टी मैं कैसे बना रहा हूँ, यानी उसका सानी कैसे बन रहा है, आप ये देखिए, और फिर आप समझ जाएंगे कि बकरियाँ उसे कैसे खाएंगी। क्योंकि हमारी बकरियाँ रोज सुबह में या शाम में, मतलब दिन में इनको एक टाइम गेहूँ का भूसा दिया जाता है और एक टाइम हरा चारा, और जब मैं गेहूँ का भूसा खिलाता हूँ तो ये देखिए, ये तो हो गया गेहूँ का भूसा। अब ये है हमारा पैराकुट्टी, ये भी मैं इसमें डाल देता हूँ। ये देखिए, हमने उसमें डाल दिया है, और थोड़ा पानी डालेंगे इसमें, क्योंकि बकरियाँ एकदम सूखा नहीं खाती हैं, और अगर इसमें, चूँकि जब हम कुछ मिलाते हैं तो बकरियाँ, जैसे कि हम इसमें खली चूनी या कोई दाना डालेंगे तो वो दाने को ही सिर्फ खा जाती हैं और भूसे को छोड़ देती हैं, तो इसके लिए इसमें पानी डाला जाता है, और पानी उतना ही डाला जाता है कि एकदम गीला ना हो, एकदम सूखा रहे, तो वो क्या होता है, उसमें चपक जाता है, चपक जाता है तो उसके साथ में बकरियाँ खा लेती हैं। और अभी हम जो है कि देखिए, ये पैराकुट्टी पुआल और गेहूँ के भूसे को मिक्स किए हैं, और अब बात करते हैं, देखिए इसको समझिए, ये है खली चूनी, हमारे यहाँ इसे खली चूनी बोला जाता है, जैसे कि इसमें चने की चूनी है और गेहूं का चोकर है और मटर की कढ़ाई थोड़ा बहुत है, तो ये सब चीज़ें इसमें डाल करके मिक्स किया गया है, और गेहूं के भूसे के साथ में यही खिलाया जाता है हमारे यहाँ, तो बकरियाँ खाती हैं, अन्यथा नहीं खाती हैं, हरा चारा तो वैसे ही खा लेती हैं। अब इसमें हमको मिलाना है पैराकुट्टी पुआल, जो हमने आपके सामने मिला दिया है, और देखिए अब इसमें मैं डाल रहा हूँ, और कुछ लोग तो कहते हैं कि आप उसमें दाना मिलाइए, बाजरा मिलाइए, मक्का मिलाइए, गेहूं मिलाइए, भाई अपना फीड कास्ट भी तो देखना है कि, और फिर वो लोग कहते हैं कि हम यूट्यूब से जो है कि पैसे कमा लेते हैं और हमारा पैसा आ जाएगा। भाई आपका पैसा तो आ जाएगा, लेकिन जिनके पास एक दो बकरियां हैं उनके पास तो यूट्यूब चैनल नहीं है ना, वो कहाँ से लेके आएंगे अपना पैसा। तो हर चीज़ को ख्याल में रख करके देखिए, इस तरीके से आप अच्छे से मिक्स कर दें, और एकदम इसमें देखिए पानी नहीं है, ड्राई है, ये एकदम गीला नहीं है, सूखा है, नमी है, सिर्फ पानी उतना ही डालें जिससे इसमें खली चूनी इसका जो है कि मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से और उसमें चपक जाए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, और एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसे मैंने शुरू में कहा कि सडनली अगर डायरेक्ट इसको डाला जाता है, यही खली चूने डाल करके इस पैराकुट्टी में, तो बकरियाँ नहीं खाती, क्योंकि सडनली चारा नहीं बदलना चाहिए। आप भूसे से हरे चारे पर जा रहे हो, या हरे चारे से भूसे पर जा रहे हो, या किसी दलहनी में जा रहे हो, तो आपको तुरंत डायरेक्ट नहीं बदलना है, इसके लिए बकरियाँ आपका खाती नहीं है। थोड़ा बहुत उसमें, कहने का मतलब कम से कम 50-50, यानी 50% जो आप खिला रहे हैं रेगुलर वो फीड होना चाहिए, और 50% नया फीड होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपके सामने दिखाया। और ये देखिए, ये
अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है इसमें। इसमें पैरा कुट्टी, गेहूँ का भूसा और खली चूनी मिक्स हो गया है। और देखिए बकरियाँ आ गई हैं सारी खाने के लिए, और कुछ ने खाना भी शुरू कर दिया। देखिए यहीं पे खाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। इधर दिखाइए, देखिए बकरियाँ किस तरीके से खा रही है, देखिए आपके सामने है धान पैरा कुट्टी पुआल गेहूँ के भूसे में, देखिए किस तरीका से ये लोग खा रही हैं। हटो, चलो तुम लोग को सर्व करूँ, हटो चलो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। नमस्कार।